आई एम कुकिंग लाफा शाग। मुझे नहीं पता इसका इंग्लिश नाम क्या है, हिंदी नाम क्या है, कुछ भी नहीं पता मुझे। बस इसको पता है कि ये लाफा शाग है। इसको मैंने ऐसे काटा पहले, उसके बाद मैंने तेल कढ़ाई गर्म किया, फिर उसमें तेल गर्म किया, फिर उसमें ग्रीन चिली डाला, उसके बाद मैंने क्या किया, ग्रीन चिली डाला, फिर अनियन डाला, अनियन उसको थोड़ा सा फ्राई किया, फिर साग को ऐसे दे दिया, फिर ऐसे ढक्कन लगा के इसको थोड़ा सा रख दिया क्योंकि ये पूरा फूल जाता है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा बॉयल होने दिया अपने आप। देखो ये सब पानी निकल रहा है तो ये और थोड़ा बॉयल हो जाएगा अपने आप। उसके बाद मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर दूंगी एंड आई थिंक एंड उसके बाद मेरा ये साग रेडी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ग्रीन, लाइट ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे, एकदम और ज़्यादा एकदम मैश हो जाएगा ऐसे। देखो नहीं हो रहा है ना, ये जब हो जाएगा तो ऐसे गल जाएगा ऐसे। अभी भी थोड़ा सा होना बाकी है, पानी निकल आया थोड़ा सा यहाँ पे, आप खुद भी पानी डाल सकते हो लेकिन नहीं तो यहाँ पे। ओ कोकराझार CIT ना, देखिए टाउनशिप कोकराझार, ना ना कोकराझार CIT पूरा क्वार्टर सटर सब एक मजारे दुनिया से जगह तो। ओ फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट विजिट टू कोकराझार CIT। हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग, दो बार हो गया क्या। हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 17th of November। मेरा कढ़ाई जल रहा है गाइस, क्या होगा मेरा। एनीवे गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और सुबह से तो व्लॉगिंग करी नहीं थी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी लिटरली, लाइक मम्मी जैसी बन गई हूँ मैं, मम्मी जैसी लाइक वर्किंग मम्मी, वर्किंग लेडी मैं बन गई, वर्किंग मम्मी दो बच्चों की, दो बड़े बड़े एडल्ट बच्चों की, नहीं दो बड़े बड़े एडल्ट नहीं, एक का 18 नहीं हुआ है, तो छोटा ही है वो। कढ़ाई मेरा जल गया, अब इसमें जीरा डालते हैं। तो आपको कुकिंग दिखाऊं, मुझे तो बहुत मन कर रहा है कि आप सबको कुकिंग दिखाऊं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, जीरा ले रही हूँ ठीक है गाइज। तो सा जीरा काफ़ी है, इतना सा जीरा अभी ये तेल में, तेल थोड़ा और, पूरा कढ़ाई एकदम गर्म हो गया, धुआं निकल रहा है देखा। और ये ग्रीन चिल्ली यहाँ पे जाएगा, तो मैं बना के आ रही हूँ गाइस, वो आप सबको दिखाना है। दिस इज व्हाट आई एम कुकिंग, लाइक दिस इज व्हाट आई एम कुकिंग। आओ ये तो फट फट के आ गया रे। और यहाँ पे मैंने ये बनाया पम्पकिन फ्राई, और यहाँ पे मैंने रेडी किया है ये वाला चिल्ली डाला है, ग्रीन चिल्ली, और बहुत तीखा बनाने का मन है, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और धनिया का चटनी, टमाटर भी मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ। तो ये वाला हो गया, अभी एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे सब्जी डाल देना है। आई डोंट नो कैसा बनेगा, मम्मी जैसा बनेगा कि नहीं लेकिन बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट लाइक मम्मी। मम्मी ने मुझे ऐसे ऐसे बोला तो मैं अभी वैसे ऐसे कर रही हूँ। मम्मी के ना होने के लिए घर पे बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक लग रहा है मुझे आज। तो मैंने खुद को प्रॉमिस किया मैंने कि आज मैं जैसे तैसे करके व्लॉग डालूंगी। थोड़ा कल रात को मैं जैसे सोई ना, एक सेकंड इसको डाल लेती पहले रुको। हाँ मैंने इसमें क्या क्या पता है डाल दिया, अभी सब कुछ इसमें डाल दिया, इसको ढक दूंगी मैं, इसका मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया है ठीक है। गाइज देखो ये कलर थोड़ा थोड़ा मतलब लाइट येलो हो रहा है, पता नहीं क्यों मैंने इतना सारा हल्दी डाला पर भी किसी ने कलर जैसा नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है इसका। एक वेज सब्जी मैं बना रही हूँ यहाँ पे, पता है क्या क्या डाला है, बैंगन डाला है, आलू डाला है, फूल गोभी डाला है कहे आजा फूल गोभी डाला है गाइज, टमाटर डाला है और डाला है मैंने गाइज, नमक डाला है मैंने मिर्च डाला है मैं गाइस, मैंने मिर्च कहाँ गया, मिर्च हरी मिर्ची ओके, तो मैंने मिर्च डाला है और इसको अभी अच्छे से फिर, और उसके बाद मैंने हल्दी भी डाला है, हम लोग का पेस्ट किया हुआ हल्दी होता है घर का ठीक है। मम्मी उस दिन आई थी तो पेस्ट करके रख कर गई थी, और इसको मैं अभी अच्छे से स्टेयर कर रही हूँ पता नहीं क्या कर रही हूँ, स्टेयर नहीं कर रही हूँ यार, ऐसा थोड़ी ना इंग्लिश करते ऐसा ना, मतलब हिंदी में बोलने से क्या बोलेंगे इसको, मैं अभी हिला रही हूँ गॉड सो इतना ज़्यादा डबल मीनिंग लगता है। ओ गॉड गाइस ये इसको मैं अभी पता है इसे बंगाली में पता है क्या कहते हैं, नाड़ा चाड़ा कुर्ची,
मैं अभी इसको नाड़ाचाड़ा करछी एंड आप लोग भी इसको देखो और एंजॉय करो। और फिर उसके बाद पता है क्या गाइस, ऐसे बना के ट्राई करके देख सकते हो कि कैसा लगता है। अभी थोड़ा सा इस पर ना मतलब फूलगोभी थोड़ा बॉयल हो, फूलगोभी बॉयल ही नहीं हुआ है रे गाइस, क्या कर बो रे गाइस, की कर बो रे हमें गाइस। हाँ गाइस, इसको ना मैंने सॉल्ट तो इसमें डाल दिया, मैं अभी क्या करूँ इसको ढक दूंगी। ढक देने से क्या होगा, ये जल दिया ढाक ले मसलाटा ये होबो ना, एक टू ढाल तले हैं मैं कुकिंग सिखाते से बाप बाप बापर बेटा कुकिंग सिखाबा मके। तुम्हें जानो ना, तुम चुप थको, कोई प्लेट टा कोई गेलो। तो ये एक स्टील का प्लेट है, इस प्लेट से अभी ऐसे ढकने से भी तो होगा। हाँ, इसको ऐसे ढकने से भी होगा। इसको मैंने अभी ढक दिया है थोड़ा टाइम के लिए और ये एकदम मीडियम फ्लेम पे रखा है ताकि ये जल ना जाए। और ये वाला भी खाने में काफ़ी टेस्टी है, थोड़ा सा खा के देखते हैं। ये वाला खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। तो ये जब तक ये वाला होता है तब तक मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, चटनी बना लेती हूँ। इसमें टमाटर डालूँ क्या चटनी में, टमाटर डालूँ थोड़ा सा? हाँ नहीं चाहिए ना, हाँ रहने देते। ये दो ही टमाटर, और टमाटर इतना महंगा है ना गाइस, क्या बताओ। एक पुआ टमाटर 20 रुपये लेता है, एक पुआ हरी मिर्च 20 रुपये लेता है, एक पुआ इतने आता है सोचो। पहले तो पुआ पुआ कुछ पता भी नहीं था कि पुआ होता क्या है, पुआ पुआ। और यहाँ पे है हम लोग का सूखी मिर्च, कल हम लोग मेयोनीज लेकर आए थे और पूरा ख़त्म। ओ कल का शॉपिंग दिखाना था यार गाइस आप सबको, मैं नहीं दिखा पाई पता है, क्योंकि ना बिल्कुल मतलब हो ही नहीं पाया कि मैं टाइम ही नहीं हो पाया कि व्लॉग बनाओ। और फिर मीठा कोई मिक्सचर ईटा हम लोग पता है कहाँ रखते हैं मिक्सी को, रुको दिखाती हूँ। मेरे को खांसी हो रही है, कोई मेरा कोई मुझे बहुत याद करे। देखो देखो गाइज मेरा ये देखो, कल मैं शॉपिंग करने गई थी ना, बहुत सारा शॉपिंग किया कल। और कल ये वाला क्या कहते हैं 20 रुपये का लेकर, ये शैम्पू बहुत अच्छा है गाइज। और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ ना, मैं आप सबको बाद में अच्छे से दिखाऊंगी। घी, आंवला जूस, दिख जा आंवला जूस, पतंजलि घी, पूरा थोड़ा लगता है। तो मैं ये निकाल लेती हूँ, पहले ग्राइंड कर लेती हूँ। तू बैर करो तो एक वीडियो बनाई बना आन आन गाइस। तो ये है लोका बजाज का है ना, वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बजाज। नहीं गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये कोई पतंजलि स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। पतंजलि गाओ का घी गाइस, ये वाला कोई पतंजलि स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन आपको मेरे घर पे पतंजलि का बहुत कुछ दिखेगा। और गाइस साबुन कहाँ गया, तुमने वो येलो साबुन ले लिया क्या? ओ भाई गाइज, ये वाला सिंथॉल का ये वाला 10 रुपये का साबुन, ये बहुत अच्छा है स्मेल इसका। ओ माय गॉड, अच्छा आप सबने अगर नोटिस किया होगा तो एक ही नहीं करवा, मैं रख ना एक घंटा तो रख यहीं पे रख। और सुबह को मैगी वैगी खाया था तो कुछ धुआ भी नहीं, को रहे थे ग्राइंड चालटा धुआ दे जल्दी। गाइज मुझे आप सबको ना ये वाला टोपली दिखाना है, अच्छे से बैठ के ना ट्राईपॉड पे सेट करके कैमरा, ये अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगी। इस टोपली के अंदर मेरा मेकअप का सामान थोड़ा है एक्चुअली। मुझे ये मैंने सोचा था छोटा साइज़ का होगा, मुझे छोटा पाउच चाहिए था बैग में घुसाने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा साइज़ का आ गया, अब रिटर्न भी नहीं होगा ये वाला। और ये वाला मास्क मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा है यहाँ पर, क्योंकि ना मैंने मतलब ऐसा है कि वो मुझे गिफ्ट में मिला था, मतलब गिफ्ट नहीं मुझे इसी ने दिया था, मेरी फ्रेंड है नागालैंड से, और बायोटिक का ये ना वेट दिखा कहाँ गया, देखो अरे देखो यार ये मुझे तोहफे में मिला था 2016 में, ठीक है, पर मैं अभी इसको पहनती नहीं हूँ क्योंकि मैं इसको पहनना नहीं चाहती, सच में नहीं पहनना चाहती, मतलब फेंकना भी नहीं चाहती, मतलब ठीक है बस है तो, मतलब सामान फेंकना नहीं है और यूज़ में इसको करूँगी नहीं। आज पता है क्या हुआ गाइस, मैंने जहाँ से ये अलमीरा ख़रीदा था ना, वो वाले अंकल ने आज मेरी सब्जी जल जाएगा इतना बात करूँगी तो, आउ शिट शिट शिट, इतना सारा ठेकुआ दिया है उस अंकल ने हम लोग को, पूरा ये फुल है एकदम, ठीक है ये वाला पूरा फुल है, देखो लग भी नहीं रहा इतना ज़्यादा हो गया ठेकुआ, मतलब एक तो बाहर ही रखना पड़ेगा, बाहर मतलब दूसरे टेम डब्बे में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी एप्पल वगैरह बहुत कुछ है, मतलब कैसे दिखाऊँ, कैमरा को घुसा के दिखाती हूँ, ये देखो बहुत सारा है, ठीक है बहुत सारा ठेकुआ मिला। मैंने उस अंकल से मांगा, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मतलब फॉर बिकॉज आई एम ए सोशल वर्कर, मुझे अच्छा लगता है। और ग्राइंड कर लेती हूँ ये फटाफट से, कहाँ गया ये स्विच, प्लग लगाओ
तब तक सब्जी को देख के आती हूँ, नहीं तो सब्जी जल जाएगा। मैं पता है कितना कापधा, मतलब कितना जल्दबाजी में सब कुछ, सारा खाना वाना सब कुछ बना रही हूँ आज तक। व्लॉग तो बना, मतलब ऐसा होता है मोस्टली टाइम नहीं मिलता है। ये पूरा सॉफ्ट हो गया रे, एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया। वो अंकल ने बोला तो था कि जिससे हम लोग खरीदे थे ना ये वेजिटेबल, कल हम वेजिटेबल शॉपिंग गए, फिर हम लोगों ने ग्रॉसरी शॉपिंग किया मैंने और भाई ने, कल हमने बहुत पैसा भी लग गया हम लोग का, फिर हम लोगों ने दोनों ने डिवाइड कर लिया। अच्छा था वो भी, एकदम अच्छा लग रहा है, हम दोनों घर संभाल रहे हैं अभी, यू नो। कल एक अंकल मिले थे हम लोग को, ठीक है, रास्ते में, नहीं मतलब वो दुकान है उनका थालिका मरकार में, तो बोल रहे थे कि अभी शायद इसमें पानी डाल सकते हैं। रुको गाइस, स्टोरी सुनाती हूँ मैं, हाँ ठीक है, पहले सब्जी पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हाँ अभी इसमें पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा, इसमें पानी डाल दिया। मैं ना कभी ब्लॉक के चक्कर में ना सच में मरूंगी, खुद तो मरूंगी, खुद दूसरों को भी मरवाऊंगी। ये देखो अब कैमरा कहाँ पकड़ रही हूँ मैं, एनीवे ये रहा, पानी डाल दिया, ठीक है। सॉल्ट टेस्ट करना है, तो पता, ओ रख भी प्लास्टिक तक कोई, हाँ 20% দেয়া দিন না না ও বাবা আমার মেকআপের জামা সামান রাখতে লাগে হাট मेरा मेकअप का सामान ज़्यादा ज़रूरी है, वो बोल रहा है कि वहाँ रखने के लिए। अभी हम लोग का सब्जी बन गया, ये भाजी बन गया, अभी हम लोग खाना खाएंगे। अभी प्रेशर कुकर सीटी मारेगा, उसके बाद प्रेशर कुकर की सीटी बज जाएगी और उसके बाद हम खाना खाएंगे। एनीवे गाइस, आजकल ना मैं अच्छे से व्लॉग बना सकती हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके क्लिप हर जगह दिखा देती हूँ। कभी कभी बैठ के बात करना होता है तो बैठ के बात कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। मतलब कुछ दिन जो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस बनाए थे मार्केट का, भाई के साथ जब मैं बाज़ार गई थी एंड ऑल, कुछ वीडियोस थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे अपना एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि मैं थोड़ा सा बेटर करी। मतलब मुझे आज तक रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं क्या बेटर करी क्या नहीं बेटर, लेकिन मुझे तारीफ़ अपने कुछ फ्रेंड्स से जो लोग देखते हैं उन लोगों ने बोला कि एडिटिंग भी अच्छा कर लेती आजकल, इम्प्रूवमेंट मिला, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब एनीवे गाइस, अभी 500 सब्सक्राइबर्स है, 500 फैमिली है मेरी, मुझे आप सब ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। एनीवे गाइस, तो ना मैं एक क्या बात करी, क्या कर रहा है तू, मैं कितना चप्पड़ चप्पड़ करती हूँ, है ना, आई नो, इसलिए मैंने यूट्यूब खोला है कि कोई मेरा चप्पड़ चप्पड़ कोई सुने, कोई तो इस दुनिया में होगा जो सुनेगा, कोई कोई लोग तो होंगे। आई लाइक तू चप्पड़ चप्पड़। एनीवे वो प्लेट लेकर आओ, चलो अभी ये उस रूम में, ये वाला एक प्लेट है, इसमें एक जन खाएगा। और गाइस मैं आप सबको एक बात बता रही थी ना वो अंकल के बारे में, अंकल गान बजा भी ना, किंतु शेंटू गान बजे तो सीना पूरा वीडियो खुल चुकी। ओके ना गान बजा लिख तो कॉपीराइटर क्लेम्स ले, मेरे प्रॉब्लम है शपरे, मैं ट्राईपॉड यूज करती हूँ तो नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैंने क्या कह रही थी गाइस कि वो अंकल ने क्या बोला पता है, कि भाई को आगे जाने दे। मैंने बोला क्यों भाई को आगे जाने दे, पे मैं कर रही हूँ, खर्चा मैं कर रही हूँ, तो मैं उसको आगे क्यों जाने दूँ। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट था ना पहले के ज़माने में कि हस्बैंड आगे चलता है, पापा आगे चलते हैं, भैया आगे चलते हैं, या फिर भैया लोग जो मेल ऑफ द फैमिली होते हैं वो ज़्यादा सामान, भारी सामान उठाता है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे पेट्रियार्की रूल्स में ऐसे बहुत सारे रूल्स है, तो इट्स लाइक वी कैन ब्रेक दैट, नहीं लाइक वी कैन क्वेश्चन देम, क्यों लड़का आगे जाएगा, क्यों नहीं लड़की आगे पैदल सकती है। मेरा ट्राइपॉड कहाँ है, देखा है क्या गाइस, मेरा ट्राइपॉड देखा है क्या, और शेंटू मैं ट्राइपॉड तो देख सीस, ओ इधर है, इधर है, इधर है ट्राइपॉड, इधर है, इधर है, मिल गया, थैंक गॉड कि ये वाला मुझे गिफ्ट में मिला था। मतलब माइक भी मिला मुझे गिफ्ट में, ये भी मिला। एक वंस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑफ पैशन ना, पैशन के लिए आप कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हो तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपको ना लोग भी सपोर्ट करते हैं, जो लोग आपके अपने होते हैं ना, जो लोग समझते हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं। एनीवे मेरा ना स्किन का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये हम ट्विनिंग कर रहे हैं, ये हमारी अलमारी है, ये हम हैं और ये हमारी टॉप है जो हम ट्विनिंग कर रहे हैं। प्रेशर कुकर की सीटी क्यों नहीं लग रही है यार। अभी ये ट्राइपॉड मैं सेट कर रही हूँ, कभी मेरा भी तो अच्छा घर होगा।
হ্যাঁ হ্যাঁ দে খাইতে বাবা গো রে সকালবেলা ঘুম থেকে মেয়ে কো সুবে সুবে উঠা দিতি হ্যাঁ পতা হ্যাঁ তো অভি মে আচ্ছে সে ব্লগিং কর সকতি কিউকি মানে আপনা ট্রাইপড লগা লিয়া হ্যায় ট্রাইপড মেরা ঘর ইতনা আচ্ছা নি হ্যায় গাইস তো আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড লেকিন ঘর জেসা ভি হো দিল বড়া হোনা চাহিয়ে বহুত বড়া হ্যায় মেরা দিল দিখতা নি হ্যায় লেকিন সাইজ উতনা হি হ্যায় লেকিন থিঙ্কিং বহুত হি মাইন্ডফুল হ্যায় एनीवे गाइस मेरा प्रेशर कुकर CTQ कौन मैसेज किया रहे मुझे फेसबुक का कोई कमेंट है कौन मेरा मैसेज वो आता क्यों नहीं CTQ नहीं लगाती यार सीटी लग जाए तो मैं खाना खाऊंगी मैं कितना बात करती हूँ शायद मैंने अभी 10 मिनट का व्लॉग क्या किया तू मेरे बैग से क्या लिया तूने आज पता है तू लोग तेरे को कैंडी खाना है क्या कैंडी मेरे पास है तू ये रुक यहाँ पे तेरा कैंडी पकड़ अच्छे से पकड़ना ये लो और ये काट के लगी और मैं लंच ब्रेक के बाद इसको खाती हूँ आज हम लोग ना ऑफिस से मतलब लंच ब्रेक के बाद गए थे वहाँ पे थोड़ा सा वो करने के लिए वो लोग इतना फनी है ना ऑफिस में भैया लोग इतना सच में फनी है एनीवे गाइस सिटी क्यों नहीं आ रहे हैं ऐसा लग रहा है सिटी क्यों नहीं आ रहे अभी मैंने एक ब्लॉग एडिट कर ली थी और अनुपमा का थोड़ा सा एपिसोड बाकी है वो देख लेती हूँ इतना सारा कपड़ा धोना होता है बाप रे बाप मैं आप सबको एक बात सिटी 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 लाइफ मेरा भाई आप सबने मेरे भाई को बहुत मिस किया ना सर मैं सर बोले सॉरी गाइस आप सबने भाई को बहुत मिस किया ना प्लीज हम सोच रहे हैं एक चैनल खोलेंगे जिसका नाम होगा हालडा ट्रिपलिंग्स हाँ जिस दिन हम लोग होता है ना वो सिबलिंग होता है ना तो हम लोग है हालडा ट्रिपलिंग्स हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है हालडा ट्रिपलिंग्स बोल के हाँ मैं उसमें मैसेज करती हूँ लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं करता है उसमें मैं हूँ ये है और मेरा बहन है और कोई नहीं है मैं जब भी फेस वॉश करके आती हूँ पता नहीं क्यों लेकिन मेरे फेस पे जो होता है ना एकदम ऊपर से ऐसे वाइट मतलब ये जो साबुन होता है ऐसे करके ही होता है हमेशा ऐसा होता है हमेशा कोई आज की नई बात नहीं है मेरे को तो हमेशा ऐसा होगा कि यहाँ पे लगा रहेगा एक हाथ से मैंने राइस पकड़ लिया था एक हाथ से मैं कुछ कर नहीं सकती एक हाथ से ही मेरे को करना किसी से हेल्प मांगना तो पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में क्या लगाओ रे वैसे लगा लेती हूँ अपन तो फेस पे इसको एक हाथ से कैसे खोले एक हाथ से कैसे खोलूं हो ही नहीं रहा तेल ही लगा लिया मैंने फेस पे क्या करती वो निकल नहीं रहा था तुम यहाँ बैठो ठीक है वहाँ से सब्जी ले लेना अर्पिता को बुलाएगी नहीं बुलाई सी गाइस तो अभी हम लोग खाना खाएंगे हमारा सब्जी कैसा है टेस्ट नहीं पता लेट्स सी बहुत टेस्टी है तरकारीटा वेरी टेस्टी लविंग इट वेरी टेस्टी वेरी 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 टेस्टी मम्मी जैसा बनाए ओ इसको बनाते कैसे है गरम तेल करना उसके बाद जीरा जो है जीरा और काली दे हमारा दे इसे दे दे वो ना आटू दी वो हमारा शेंटू ना दूजन ना और ढेले ही दी था प्रोटीन ना হ্যাঁ দ্যাট আজ তরকারি সকালেও খাওয়া যাবো বুঝলি টিফিনে নেওয়া যাবো রাতে আবার সকাল উঠে এত তো রান্না বাড়ি কে করবো সুবে কোটকে ইতনা খানা বানা বানানো বহুত মুশকিল কাম বহুত হি মুশকিল কা কাম হ্যায় ট্রাস্ট মি মেরে কো মেরে না মে দের সে সো সকতি হু রাত কো লেকিন সুবে কো জলদি উঠানা মেরে বস কি বাত নেই হ্যায় বহুত 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 বুরা লাগতা হ্যায় মুঝে সবসে গন্দা লাগতা হ্যায় সুবে কো উঠনা সুবে সুবে মতলব আগে 7:30 তক ভি বুলা লেনা মেরে কো 9 বাজে বুলায়ে তো ঠিক হ্যায় नींद से लेकिन मेरे को 9:30 तो ऑफिस ही पहुंचना होता है कहाँ से कर आज सुबह को तो उठी हम लोग बहुत सारा धनिया पत्ता लेकर आए हुआ फिर से बता बहुत टेस्टी
इसने मेरे को तारीफ किया, गाइस हम लोग थोड़ा गरीब है इसलिए नीचे बैठ के खाते हैं, इसलिए हम लोग इसे ऊपर बैठ के भी खाते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बात छोड़ो, एक दिन हो जाएंगे, सुनो एक दिन अमीर हो जाएंगे, अमीर मतलब वही घर पे थोड़ा डाइनिंग टेबल होगा खाने के लिए। एक एक करके खरीद रही हूँ मैं, देखो अभी ये खरीदा ना अलमीरा, अब नेक्स्ट देखते जाओ एक एक करके। रुको अच्छा सुनो, क्या थी कि मैं ये ना मेरा तारीफ यूजुअली करता नहीं है, ठीक है, अगर जब तारीफ किया तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करके रखना लगता है ना कि तूने कभी ऐसा ही किया था, तूने कभी तो मेरा तारीफ किया था। इसने मेरा तारीफ किया कि खाना अच्छा बनाए, बहुत अच्छा बनाए। गाइज मेरा डिनर विनर हो गया और जो जो प्लेट था खाने का उसने उसको वो भाई ने धो दिया, अभी मैं तो क्या देखा ही तू तो हाई को याद दे गाइज तो हाई को भी अभी को भी ना वो गाइज को हाई नहीं बोलेगी गाइज 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 मैं अब कल सबको गाइज बुलाती हूँ। एनीवे गाइज आई सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, विल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं ना थोड़ा सा वो वज्रासन जो कह कुछ भी कहते हैं ना उसको वो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी हो गया खाना, बहुत ज़्यादा खा लिया ऐसा लग रहा है, बहुत सारा खा लिया। और पेट में वो जो शार्प पेन मुझे होता था ना, मैंने नोटिस किया है कुछ दिनों से मुझे वो शार्प पेन बहुत हो रहा है, मतलब कुछ भी खाऊं हो रहा है। और मैं आजकल कुछ ज़्यादा मतलब फास्ट फूड खान तो नहीं रही, लेकिन थोड़ा सा मीट वीट खाया, आज मैंने पोर्क खाया था, हाँ इसीलिए और ज़्यादा हो रहा है, करेक्ट। पोर्क खाने से ज़्यादा होता है, जिस दिन पोर्क खाती एक बाइट पोर्क भी खा लिया ना उसका एक टुकड़ा भी बॉडी के अंदर गया तो वो शार्प पेन मुझे होते रहता है पेट के इस कॉर्नर में, लेफ्ट साइड में जहाँ पर होता था, पहले भी शायद मैंने बताया था दिखाया था। एनीवे लाइक मैं प्योर अभी अच्छे से अच्छी हुई नहीं हूँ, लेकिन भागा दौड़ी इतना हो रहा है। एनीवे मैंने अपने डॉक्टर को टेक्स्ट किया, लेट्स सी कि क्या होता है, मेरा हेल्थ अपडेट थोड़ा दे दिया। और मम्मी हॉस्पिटल में है ना, बार बार कह रही है कुछ जंक फूड मत खाना रे, जंक फूड मत खाना, यहाँ पे बहुत पेशेंट आते हैं जो लोग ऐसे पेट दर्द को लेकर आते हैं, क्योंकि किसी को स्टोन, किसी का क्या क्या प्रॉब्लम है। देन तो स्टोन जो है ना, आजकल मैदा जो है हम लोग इतना कंज्यूम करते हैं, हर जगह पे मैदा होता है तो मैदा हम लोग इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं आजकल। और मैदा खा के कभी पानी मत पीना गाइस, जहाँ मतलब मुझे किसी ने बताया जिसका स्टोन हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, उसको डॉक्टर ने बोला कि मैदा खा के कभी पानी एक घंटे तक एटलीस्ट पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मैदा के बॉडी में हजम होता नहीं है, कुछ होता है, मैदे का बहुत प्रॉब्लम है, तो जितना कम हो सके मैदा कम खाना। लेकिन मुझे तो हर दिन जब मैं ऑफिस से निकलती हूँ तो मुझे क्रेविंग होती है मैदा का, मतलब पिज़्ज़ा मोमो ये सब को क्रेविंग होती है। आजकल थोड़ा थोड़ा खाया भी था लेकिन कब मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एनीवे वही बताना था, और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था, ये वो था होता अच्छा रहे। एनीवे गाइज आई सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप कि आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ ये वाला व्लॉग भी शेयर कर देना, जब भी एक व्लॉग देखो एक हार्ट ड्रॉप करके ये व्लॉग शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे। दैट्स ऑल आई हैव टू से। एनीवे आई सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।